ऑल राइट, सो आज एक नया दिन, नई अपॉर्चुनिटी और एक नए ब्लॉग में आप लोगों का स्वागत है। सो मेरे सामने खड़ी है एम जी एस्टर। ब्लॉग शुरू करने से पहले स्पेशल थैंक्स टू एम जी मलाड जिन्होंने जो मुझे ये गाड़ी प्रोवाइड की अब तक पहुंचाने के लिए। शोरूम की डिटेल्स जो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और अपन शुरुआत करते हैं गाड़ी की चाबी से। सो कुछ इस तरीके से आपको चाबी यहाँ पर दिखती है और अभी मैं आपको दिखा दूँ इसकी हेडलाइट्स। सो यहाँ पर जो आपको पूरा का पूरा एक LED सेटअप देखने को मिलता है और आप देख पा रहे हो काफ़ी ज़्यादा शार्प लुक दिया हुआ है। और अगर आप यू नो हेडलाइट के अंदर नोटिस करो सो आपको जो ये क्रिस्टल जैसी लाइट्स दिखती है जो काफ़ी ज़्यादा अच्छा खासा एक लुक एंड फील ऐड कर देते हैं। नीचे की साइड जो आपको फॉग लैंप्स मिल जाएंगे। और अभी अपन आते हैं गाड़ी के ग्रिल पर। सो आप देख पा रहे हो ग्रिल का जो शेप है काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन यहाँ पर MG ने दिया हुआ है। बीच में जो आपको MG का लोगो मिल जाएगा। नीचे की साइड जो है आपको मिल जाएगा कैमरा। सो दिस इज़ हाउ इट लुक्स फ्रॉम द फ्रंट एंड दिस इज़ द ब्लैक कलर। इसमें और एक कलर आता है जो रेड में आता है। और अभी अपन आ जाते हैं साइड पे। बाय द वे यहाँ पर जो आपको सारे के सारे सेंसर्स भी दिख जाते हैं। और अभी अपन आ जाते हैं साइड पे। सो दिस इज़ हाउ इट लुक्स फ्रॉम द साइड। साइड से जो है गाड़ी काफ़ी ज़्यादा स्मूथ रखी हुई है। शेप जो है गाड़ी का काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर आपको स्मूथ शेप्स देखने को मिलते हैं। यहाँ पर जो आपको ब्रेड डायनामिक की ब्रांडिंग दिख जाएगी। और अभी अपन आते हैं व्हील्स पे। सो व्हील्स पे जो है यहाँ पर आपको अलॉय व्हील्स मिल जाते हैं। आपको जो है रेड कलर के कैलिपर्स दिख जाते हैं। सो यहाँ पर आपको 17 इंच के अलॉय व्हील्स देखने को मिलता है। और हैंडल बार्स पे जो है यहाँ पर आपको रिक्वेस्ट सेंसर भी दिख जाएगा। सो आप जो है डायरेक्टली यहाँ से खोल सकते हो। आपको जो है ड्राइवर एज वेल एज पैसेंजर सीट पे भी रिक्वेस्ट सेंसर्स मिल जाते हैं। और ऊपर की साइड जो है आपको रूफ रेल्स मिल जाते हैं और एक बहुत ही बड़ा सनरूफ मिलेगा जो मैं आपको अंदर बैठ के दिखाऊंगा। वो रहा शार्क फिन एंटीना। और साइड व्यू मिरर्स पे जो आपको इंडिकेटर्स दिख जाएंगे। नीचे की साइड जो आपको मिल जाएगा यहाँ पे कैमरा। और अभी अपन आ जाते हैं पीछे की साइड। सो दिस इज़ द बैक व्यू। सो पीछे से जो है कुछ इस तरीके से दिखती है। और यहाँ पर जो आपको एक पूरा का पूरा LED सेटअप देखने को मिलता है। ब्रेक लाइट जो रहेगी वो LED में रहेगी। बीच में जो आपको MG का ब्रांडिंग मिल जाएगा, एस्टर की ब्रांडिंग मिल जाएगी, ZS की ब्रांडिंग मिल जाएगी। बाय द वे मेरे बाजू में एक ZS खड़ी है तो आप देख सकते हो। दोनों में जो है बहुत कम सिमिलैरिटीज़ है बट है। और यहाँ पर जो आपको A- की ब्रांडिंग भी दिख जाती है। और नीचे की साइड जो है आपको यहाँ पर ये एग्जॉस्ट जो है आपको शायद नीचे की साइड दिख जाएंगे। और अभी मैं बता दूँ आपको इसका बूट स्पेस। सो दिस इज़ द बूट। फिलहाल जो है बूट पे स्पेस कितनी वो बताया गया हुआ नहीं है तो मैं आपको बता नहीं पाऊँगा। बट फ्रेंकली बताओ तो काफ़ी बढ़िया सा बूट स्पेस यहाँ पर आपको दिख जाता है। 60-40 स्प्लिट सीट मिल जाएगी। एक्स्ट्रा टायर्स जो आपको नीचे की साइड मिल जाएंगे। बाय द वे ये जो टायर्स है आपको एक साइज़ छोटे मिलते हैं। R15 के टायर्स यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। आई थिंक R15 नहीं है, R16 है। यस, R16 के टायर्स मिलते हैं, आई एम सॉरी। और अभी मैं इसको कर देता हूँ बंद। यहाँ पर जो आपको एक एम्बियन लाइट भी दिख जाती है, एक हाथ से बंद भी हो जाती है, नो इश्यूज एट ऑल। और आप देख सकते हो ये इंडिकेटर्स। और अभी मैं आपको पीछे भी बैठ के दिखा दूँ। ये चालू करने पड़ेगी गाड़ी को। ओह सो यस, सो आप देख पा रहे हो लाइट होने पर कुछ इस तरीके से दिखते हैं। काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन सा यहाँ पर आपको डिटेलिंग वर्क दिख जाता है। और अभी मैं आपको पीछे बैठ के दिखा दूँ एक बार। सो सबसे पहले चीज़ यहाँ पर आपको नोटिस होने वाली है वो ये है कि यहाँ पर जो आपको रेड एज वेल एज ब्लैक टोन में गाड़ी मिलेगी काफ़ी ज़्यादा कड़क दिखती है। और डोर्स पे जो है यहाँ पर आपको वंस अगेन रेड एंड ब्लैक का फिनिशिंग मिल जाएगा। पावर विंडो का बटन, बॉटल होल्डर, स्पीकर्स, डोर लॉक अनलॉक। और अभी मैं आपको अंदर भी बैठ के दिखा दूँ। ओके, सो मैं अंदर आ चुका हूँ। काफ़ी ज़्यादा साइलेंट फील होता है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। गाड़ी में अंदर बैठने के बाद काफ़ी ज़्यादा मुझे साइलेंट फील हो रहा है। लेग स्पेस देख पा रहे हो, काफ़ी बढ़िया सा लेग स्पेस यहाँ पर आपको मिल जाता है। मेरी जो हाइट है वो है 5'10" और मुझे बहुत ज़्यादा स्पेस यहाँ पर बच रही है। मैगजीन होल्डर भी मिल जाते हैं यहाँ पर, जब थोड़ा बहुत चिलर वगैरह रख सकते हो। मैंने जैसे बताया यहाँ पर आपको मिल जाएगा होल्डर और एक बहुत ही बड़ा सनरूफ यहाँ पर आपको मिलता है। इसको बोलते हैं पैनारोमिक सनरूफ, जो 90% ऑफ द रूफ को कवर कर लेता है। सो आप जो है यू नो पूरा खोल के पीछे से एकदम आराम से मज़े ले सकते हो। सीट्स जो है सीट्स पे यहाँ पर जो आपको लेदर फिनिशिंग मिल जाती है। बीच में जो है यहाँ पर आपको एक यू नो कप होल्डर्स भी मिलते हैं। आप चाहो तो यहाँ पर अपनी चाय या बॉटल या कप वगैरह जो भी रखना आप रख सकते हो। दिस इज़ रियली नाइस। और बीच में जो है यहाँ पर आपको दो AC वेंट्स मिलते हैं, दो USB सॉकेट मिल जाएंगे। और हम्प जो है वो काफ़ी, मैं ये नहीं कहूँगा बहुत छोटा है, बट अगर आप बीच में यू नो कोई बंदा बैठता है जिसका हाइट बहुत ज़्यादा नहीं है तो वो कंफर्टेबली बैठ पाएगा। बाय द वे यहाँ पर जो है 3 लोग काफ़ी आसानी से बैठ पाएंगे।
और अगर मैं सीट्स की बात करूँ, कंफर्ट की बात करूँ, तो भाई मैं एक बहुत ही कंफर्टेबल पोजीशन में बैठा हुआ हूँ। हेडरेस्ट जो है वो एडजस्टेबल है, तो आप देख पा रहे हो मैं, मतलब मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि मैं यू नो किसी बहुत ही एक बंद गाड़ी में बैठा हूँ। आपको ऐसा बिल्कुल भी फील नहीं होगा, आपको लगेगा कि आप बहुत ही एक बड़ी सी गाड़ी में बैठे हो। विंडोज़ भी जो है काफ़ी ज़्यादा बड़े हैं, तो आपको जो है यू नो वो घुटन वगैरह महसूस यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं होगा। सो आई थिंक बैक साइड जो है गाड़ी का काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन बनाया, स्पेशली आपको जो है ये रेड एंड ब्लैक कलर का जो ट्रीटमेंट दिया है, जगह जगह पे आपको जो स्टिच वर्क दिख जाएंगे, काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट टचेस भी दिखते हैं, इसके वजह से जो है ये गाड़ी अंदर से बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन दिखती है मेरे हिसाब से। सो मैं यू नो इंटीरियर को इसको दे दूंगा 10/10। और अभी अपन एक काम करते, अभी अपन जो आगे बैठ के देखते हैं, लेट्स सी कैबिन में ये गाड़ी दिखती कैसी है। सो डोर्स पे जो है यहाँ पर आपको चारों पावर विंडोज़ के बटन मिल जाएंगे, चाइल्ड लॉक, यहाँ पर आप जो थोड़ी बहुत चीज़ें रख सकते हो, बॉटल होल्डर, स्पीकर्स, डोर लॉक अनलॉक, और सीट जो है वो इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्ट आप कर सकते हो। दिस इज़ रियली नाइस। और अभी मैं अंदर बैठ जाता हूँ। ऑलराइट ऑलराइट, सो मैं आ चुका हूँ गाड़ी के कैबिन में, एंड फ्रेंकली बताओ गाड़ी का जो कैबिन है, इट्स वन ऑफ द वेरी 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 गुड लुकिंग कैबिन। स्पेशली मैं बार बार बता रहा हूँ, ये जो रेड एंड ब्लैक कलर का कॉम्बिनेशन दिया हुआ है बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन दिखता है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये वाला जो लुक एंड फील आपको बहुत ही हाई एंड कार्स में मिलता है, बट यहाँ पर जो है एमजी ने काफ़ी बढ़िया सा काम किया हुआ है। यहाँ पर जो आपको वापस से ब्रिट डायनामिक की ब्रांडिंग दिख जाएगी। और अभी स्टेयरिंग व्हील पे आते हैं, तो स्टेयरिंग व्हील पे जो है आपको बीच में एक एमजी का लोगो मिलता है। यहाँ पर जो आपको सारे के सारे इंफोटेनमेंट सिस्टम के बटन्स मिल जाएंगे, और यहाँ से जो है आप अपने मेन डिस्प्ले को भी टॉगल वगैरह कर पाओगे। सो अगर मैं यू नो क्वालिटी की बात करूँ, तो काफ़ी बढ़िया सा क्वालिटी यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है। और दिस इज़ द 1.3 टर्बो चार्ज्ड इंजन, यहाँ पर जो आपको एक 6-स्पीड ऑटोमेटिक गेयरबॉक्स मिलेगा। इसमें और एक वेरिएंट आता है जो 1.5 लीटर का आता है, बट उसमें जो है आपको टर्बो इंजन नहीं मिलता। और अभी मैं जो आपको तुरंत गाड़ी का डिस्प्ले दिखा दूँ, तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर जो आपको स्टार्ट और स्टॉप का बटन दिख जाता है, मैं आपको एक बार ऑन करके दिखा दूँ। सो दिस इज़ हाउ इट लुक्स, क्या बात है। सो बीच में जो है आपको एक बड़ा सा 10.1 इंच का डिस्प्ले देखने को मिलता है, और काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर आपको फीचर्स मिल जाते हैं। आपको एंड्रॉयड ऑटो के साथ साथ एप्पल कार प्ले का भी ऑप्शन मिलता है। और अगर टच रिस्पांस की बात करूँ, तो द टच रिस्पांस इज़ अग्री, द टच रिस्पांस इज़ गुड, इट इज़ नॉट एट ऑल बैड, आपका काम हो जाएगा और ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। होम का बटन यहाँ पर आपको मिल जाएगा। और यहाँ भी मैं जो आपको 360 डिग्री कैमरा भी बता दूँ, सो दिस इज़ हाउ इट लुक्स। अगर मैं रेजोल्यूशन की बात करूँ, तो रेजोल्यूशन जो है आपको यहाँ पर काफ़ी हल्का सा रेजोल्यूशन देखने को मिलता है। अभी मैं इसको कर देता हूँ बंद, और मोर में जाते हैं। तो यहाँ पर जो आपको व्हीकल सेटिंग्स मिल जाएगी, व्हीकल सेटिंग्स में जो है मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर जो आपको ड्राइविंग असिस्ट मिलता है, जिसके बारे में मैं बात कर रहा था, EPS मिल जाएगा। सो आप जो है अपने स्टेयरिंग व्हील को डायनामिक, नॉर्मल एज वेल एज अर्बन मोड में भी कन्वर्ट कर सकते हो अपने ड्राइविंग स्किल्स के हिसाब से। और फॉरवर्ड कोलिजन वार्निंग मिल जाएगी, आप रियर ड्राइव असिस्ट मिल जाएगा, मतलब अगर आप यू नो गाड़ी रिवर्स में ले रहे हो और बीच में कोई आता है, तो आप यू नो उसको आपको वार्निंग वगैरह दे देगी। लेन असिस्ट सिस्टम भी आपको यहाँ पर आपको दिख जाता है, एंड स्पीड असिस्ट सिस्टम भी दिख जाता है। जो मैं ADAS की बात कर रहा था, वो यहाँ पर आपको सारे के सारे फंक्शंस मिल जाएंगे। सबसे मेन बात, बीच में जो है आपको यहाँ पे एक यू नो आपको लगेगा कि आपके साथ कोई बैठा हुआ है, बट दिस इज़ दी AI ऑफ द कार, मतलब आपको जो यहाँ पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सपोर्ट मिलता है। सो आप चाहो तो इससे यू नो क्वेश्चंस वगैरह पूछ सकते हो, तो अपन एक ट्राई कर लेते हैं। हेलो एस्टर, हाय, हाउ कैन आई हेल्प, प्लीज ओपन सनरूफ। सो देख पा रहे हो आप, कुछ इस तरीके से आपको जवाब मिल जाएगा। रियली नाइस। सो आप जो है इसको बहुत सारे क्वेश्चंस पूछ सकते हो, जोक्स बोलने के लिए पूछ सकते हो, बहुत सारी चीज़ें जो है ये आपको करके दे देगा। बीच में जो है यहाँ पर आपको एक 6-स्पीड ऑटोमेटिक गेयरबॉक्स मिलता है, 2 कप होल्डर्स मिल जाएंगे, और यहाँ पर जो है अंदर की साइड शायद आपको दिख नहीं पा रहा होगा, 2 USB पोर्ट्स मिल जाते हैं, और यहाँ पर आपको सारे के सारे AC के कंट्रोल्स भी दिख जाते हैं। और अगर आप यू नो AC के वेंट्स नोटिस करोगे, तो काफ़ी ज़्यादा आपको बढ़िया से AC वेंट्स मिल जाते हैं, तो कुछ इस तरीके से दिखते हैं। और अभी अपन आते हैं मेन डिस्प्ले पे, जो मैं आपको अभी ऑन करके दिखा दूं। सो दिस इज हाउ इट लुक्स। सो यहाँ पर जो आपको एक कम्प्लीटली डिजिटल डिस्प्ले देखने को मिलता है। सो यहाँ पर जो आपको अपनी RPM स्पीड मिल जाएगी, वहाँ पर जो आपको अपना स्पीड मिल जाएगा, एंड बीच में जो आपको सारे के सारे फंक्शंस भी मिल जाएंगे। MG पायलट ऑन, ओके, फिलहाल जो है मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ। ओके, सो दिस इज़ हाउ इट लुक्स। सो यहाँ पर जो आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती है, ब्राइटनेस आप एडजस्ट कर सकते हो, फिलहाल अपन फुल कर लेते हैं।
और नेक्स्ट सर्विस की आपको जहाँ पर वार्निंग वगैरह दिख जाएगी, मतलब बहुत सारे फीचर्स आपको मिल जाएंगे। अगर आप एक एक करके मैं बताऊँगा तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा बन जाएगा, बट यू गेट माई पॉइंट। यहाँ पर जो है आपको अपने ORVMs आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हो, यहाँ पर नहीं मिलता है, यहाँ इसमें जो है आपको यहाँ पर मिलेगा। यहाँ से जो आप अपने हेडलाइट्स को लेवलिंग वगैरह भी कर पाओगे। सो दिस इज़ वंस अगेन द कैबिन ऑफ द MG Aster। ऊपर की साइड जो है यहाँ पर आपको सनरूफ के बटन्स मिल जाएंगे, यहाँ पर जो है आपको मिल जाता है मिरर, और यहाँ पर भी जो आपको मिरर मिल जाता है। ऑल राइट, सो अगर मैं सीट क्वालिटीज़ की बात करूँ तो भाई मैं काफ़ी ज़्यादा एक कंफर्टेबल पोजीशन में बैठा हूँ। सीट जो है मेरे बॉडी को काफ़ी अच्छे से कवर कर रही है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, और मुझे जो है किसी भी तरीके का कोई भी यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं हो रहा है। सो इट इज़ वेरी 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 कंफर्टेबल, मैं आपको बोल सकता हूँ। और बाकी की बात मैं आपको क्या ही बताऊँ, जैसे मैंने आपको बताया ये जो रेड कलर के इंटीरियर आपको काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन लगने वाले। सो आई थिंक कम्फर्ट के मामले में जो है ये गाड़ी में आपको बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, 5 लोग जो इसमें आसानी से बैठ पाएंगे। और अभी मैं जो आपको इसका ग्लव बॉक्स भी दिखा दूँ, सो दिस इज़ द ग्लव बॉक्स, डिसेंट सी स्पेस यहाँ पर आपको मिल जाएगी। सो ये था मेरा छोटा मोटा वॉक अराउंड ऑन द MG Aster। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आएगा। प्राइसिंग, यस, आप सोच रहे हो कि मैंने प्राइसिंग नहीं बताया, अभी तक जो इस गाड़ी की प्राइसिंग बार आई हुई नहीं है तो मैं आपको बता नहीं पाऊंगा, आई एम सो सॉरी। बट बहुत जल्द, जैसे मैंने आपको बताया, मैं इसका जो एक ड्राइव रिव्यू भी लेके आने वाला हूँ, तो तभी मिलेंगे, तभी मैं आपको सारी की सारी डिटेल्स दे दूंगा। और अगर आपके पास मेरे लिए कोई सवाल है तो प्लीज़ कॉमेंट बॉक्स में पूछेगा। एंड एंड द व्लॉग हियर, आई होप दिस वीडियो गाइस, इफ यू डिड एंजॉय दिस वीडियो मेक श्योर हिट दैट लाइक बटन एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर दिस वीडियो। अंटिल वी मीट अगेन, दिस इज DBS व्लॉग्स साइनिंग आउट। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू सो मच।